नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में हम कोई नया स्टॉक की चर्चा नहीं कर रहे। हमने पुरानी जो स्टॉक पर चर्चा किए थे उसी पर चर्चा करेंगे। कह सकते हैं कि उसको हम एक रिवीजन के तौर पे जानेंगे आज, जिसका नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस। बेसिकली कंपनी एक बीपीओ और केपीओ में कामकाज करती है। इसका कामकाज ऐसे ही है और साथ में आईटी से रिलेटेड कामकाज भी है कंपनी का। तो आज इस स्टॉक में ऐसा क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जानना चाहिए, समझना चाहिए और रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक में देखने को ये मिली जो पिछले कुछ महीनों से स्टॉक ने जो चार्ट में ट्रेंडिंग लगी, पिछले हमने जब स्टडी किया था नियरली देखा जा सकता है कि ये 3 महीने पहले की स्टडी है। और 3 महीने पहले की स्टडी की बात करूँ तो 3 महीने में स्टॉक कहाँ से कहाँ चली गई। नियरली देखा जाए तो स्टॉक जून जुलाई का आकलन कर लेते हैं तो निकल के आती थी करीब 50-60% के आसपास की जम देखने को मिली है स्टॉक में 3-4 महीने के अंदर। तो क्या स्टॉक में कुछ और मोमेंटल है जानने के प्रयास करेंगे, जिसका नाम है फर्स्ट सोर्स, जिसको देखा जा सकता है कि ये कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशंस भी कामकाज करती है सर्विसेज में। बीपीओ और बीपीओ केएपी केएलपीओ जैसे सर्विसेज है, कस्टमर एक्सपीरियंस की बात करती है, डिजिटल्स प्लेटफॉर्म एंड टेक्नोलॉजी पे कंपनी कामकाज करती है और आईटी से रिलेटेड कामकाज भी इनके पास है। इंडस्ट्रियल के बेसिस में देखा है तो इनके पास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, पब्लिक सेक्टर की बात करें, मीडिया सेक्टर की बात करें, ये सारे सेक्टर इनके पास कवर करती है। तो यहाँ पे क्यों जानेंगे, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू से जो मार्केट की रिएक्शन था, यहाँ पे भीड़ की बात करेंगे क्योंकि तो भीड़ काफ़ी बढ़ी है। जो भीड़ थी इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों से, वहाँ से भी भीड़ बढ़ी हुई नज़र आती है। इसलिए मार्केट में क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ी तो मार्केट ने प्राइस को क्या किया, जंप किया, जहाँ पे देखा गया कि इनकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कहती है करीब 88 रुपये के आसपास का और स्टॉक में पी कहती है करीब 43.5 का। कैसे, क्योंकि अर्निंग पर शेयर है 4-7 रुपये 44 पैसे का, फेस वैल्यू 10 रुपये के। अब यहाँ पे ये लगी कि यहाँ से 45 गुने की भीड़ हुई, जबकि बाकी जो इंडस्ट्रियल की कंपनियां हैं वहां पे भीड़ की बात करें, बाकी जो दुकानें हैं मार्केट में उन दुकानों पे 40 लोग की भीड़ है, तो यहाँ पे 43 लोगों की भीड़ नज़र आती है। इस प्राइस के बेसिस पे खरीदने को लेकर के, किसको, इसको खरीदने को लेकर जिसके लिए इसकी जो प्राइस है लगातार क्या हुई, जंप करती नज़र आई, जहाँ पे हायर टू हायर को भी टच किया। और क्या यहाँ पे संकेत ऐसा कुछ लगता है कि हायर टू हायर को टच करने के बाद कुछ और जाना चाहिए, जाएगा, तो चलिए हम जानेंगे। यहाँ पे देखा जा सकता है स्टॉक में जो हायर टू हायर को टच करने के, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं, इससे पहले उसके बाद सपोर्टिंग की तरफ देखें तो रिसेंटली सपोर्टिंग तो यही बनी थी, जहाँ पे लगातार स्टॉक ने कभी बार गिरावट का संकेत दिया था फिर चढ़ती नजर आई और यहाँ पे एक साइडवेज लिया था स्टॉक ने। और जब भी साइडवेज लेके कामकाज किया ना, उसके बाद हमेशा ब्रेकआउट करती नज़र आई थी, जहाँ पे यहाँ पे देखा जा सकता है या फिर और साइडवेज की बात किया जा सकता है। यहाँ पे लगातार उसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, एक बुलिश का रिएक्शन देखने को मिला। एक सवाल और होता है, क्या जो पोजिशंस में वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम लगातार इंक्रीज किया या नहीं किया, तो यहाँ पे देखने को ये मिली, पिछले 1-6 महीने के चार्ट ले लूँ तो यहाँ पे कुछ दिनों से वॉल्यूम में लगातार इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज, चार्ट इंक्रीज। चलिए जानते हैं इसको लेकर के क्या कहती है। यहाँ पे ये भी देखा गया कि डेट टू इक्विटी के बारे में कहते हैं 0.41 का और करंट रेशियो कहता है 0.92, जिसको हम शामिल एक ही साथ में स्टडी करते हैं क्योंकि इन दोनों को एक लिंक बनाते हैं ईपीएस से। ईपीएस का अर्थात होता है प्रॉफिट का वो पार्ट जो को शेयर होल्डर से, शेयर से उसको डिवाइड कर दिया जाए। यहाँ पे वो पार्ट जो कि प्रॉफिट को क्या करता है, दबा के रखता है, कैसे, इंटरेस्ट बर्डन के साथ। दूसरी पार्ट जो प्रॉफिट को उगाता है, उगाता है अर्थात कैसे पता है, सेल्स के बेसिस पे, सेल्स में वो सेल्स जिसका नाम है उधार सेल्स, जिसकी हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या क्या आकलन किया जा सकता है। इसके साथ देखा जाए तो आरओसी के बारे में, आरओसी कहती है करीब 15% का, आरओई कहती है करीब नियर अबाउट द 14% का, नंबर ऑफ शेयर में कहती कर 70 करोड़ का और जो प्रमोटर्स हैं उनके पास करीब 53-54% के आसपास की होल्डिंग है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का है। तो आइए
जानते हैं। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और लेटेस्ट लर्निंग के लिए बने रहिए, क्योंकि हम कंप्लीट स्टडी की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरीज को लेकर के। यहाँ पे पीयर्स में कंपेयर करेंगे तो ढेर सारे कंपनीज का लिस्ट है, यहाँ से टाटा टेक्नोलॉजीज, कैपिटा और पीवी फिनटेक जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है। इसको लेकर के मुझे लगता है कि इसको बीपीओ और केपीओ वाले सेक्टर में कंपेयर किया जाए तो सर बेटर हो सकता है। आते हैं कंपनी के एक नज़र फंडामेंटल्स में, रिजल्ट को लेकर के। और रिजल्ट में कंपनी का जो मॉडल था क्वार्टरली डेटा को लेकर के, मैनेजमेंट ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई, दर्ज किया, जो कि जून YOY में कहा कि हमारे पास नियरली 1500 करोड़ से करीब 1700 करोड़ पे, 1800 करोड़, मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि नियरली 18% के आसपास की जंप थी YOY में। और क्यू और क्यू बी के लिए अच्छी खासी जंप 1670 से 1791 पर जा रही। इसके अलावा जो अदर इनकम की साइड की बात करूँ या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूँ, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, ये नियर अबाउट सेम रहा, उसमें कोई फेर बदल नहीं था। इंटरेस्ट के पार्ट में देखने को ये मिला कि इन्होंने थोड़ा सा बर्डन को इंक्रीज किया यहाँ पे। जब बर्डन को इंक्रीज किया तो जो नेट प्रॉफिट की पार्ट थी वहाँ पे दबाव पड़ा। तो दबाव पड़ने के बाद भी देखने को ये मिली कि कंपनी 158 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया था, तो वहाँ पे 135 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, जो कि पिछले पीरियड से देखा जाए तो YOY में जंप थी, क्यू और क्यू में नियर अबाउट द न्यूट्रल के आसपास थी, कोई ज़्यादा हेर फेर नहीं था, कोई फेर बदल नहीं था। ईयरली बेसिस को डेटा को देखें तो वो कहती है जो सेल्स में लगातार जो सिलसिला था जंप करने का चला, ऑब्वियसली चला, नियरली देखा जाए तो 5% के आसपास की ईयरली सेल्स ग्रोथ थी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की देखें तो वो भी नियरली 14 से 16 पर जाती है, मतलब नियरली 20-22% के आसपास की जंप देखने को मिली। इसके बाद नेट प्रॉफिट में देखा तो 51 करोड़ से 514 करोड़ से 515 करोड़, मतलब ये जो नेट था वो पार्ट में कोई फेर बदल नहीं था, न्यूट्रल था। अब यहाँ पे सेल्स लगातार बढ़ी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में उतनी बड़ी फेरबदल नहीं था, लेकिन जो प्रॉफिट का आकलन था वो नियर अबाउट द सेम, मतलब एक तरह से कह सकते हैं जो बिजनेस में ऊपर नीचे सेल्स में हुआ लेकिन प्रॉफिट पार्ट में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, नियर अबाउट द सेम रहा, कह सकते हैं 1537 से 1514 पे गई, 1514 से 1515 पे गई, या लास्ट 12 महीने की डेटा भी 1524 के आसपास की देखने को बनी है। अब यहाँ पे मैंने हमेशा कहा कि ये जो पार्ट है ये क्या है, एक बुक्ड किया हुआ प्राइस है, इसके पीछे में बैलेंस शीट को जानेंगे, क्योंकि कुछ एस्पेक्ट को जानेंगे, खास करके उन फैक्टर को लेकर के जो बोरोइंग्स को लेकर के, यूटिलाइजेशन की बात करेंगे, क्या क्या यूटिलाइजेशन कर रही है उसको लेकर। यहाँ पे देखने को ये मिली जो कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स में 200 करोड़ के आसपास की क्या किया, नियरली 150 करोड़ मान लेते हैं, 150 करोड़ के आसपास का क्या किया कंपनी ने अपनी इंक्रीज किया। अब सवाल ये होता है जो 150 करोड़ था इनका, वो 150 करोड़ का यूटिलाइजेशन क्या करती है, क्या एंजॉयमेंट करती है, एम्प्लॉयमेंट को सैलरी बांटती है, कार बांटती है, गिफ्ट बांटती है, या कंपनी अपनी एसेट्स क्रिएट करती है जो कि शेयर होल्डर के लिए होती है। यहाँ पे देखा गया करीब करीब सेम प्राइस के आसपास की बात करें, सेम अमाउंट के आसपास, तो फिक्स एसेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, और जो वर्किंग में था वो भी इंक्रीज किया, और इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में गिरावट देखने को मिला, जो कि 130 करोड़ से 71 करोड़, 71 से सीधे 42 करोड़ पे आ जाती है। अब अदर एसेट्स में उन पार्ट को देखें जो पार्ट को मार्केट में उधार सेल्स के बेसिस पे बुक किया जाता है, और वो कहती है नियरली 1100 करोड़ से ज़्यादा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, यहाँ पे दो तरह के सवाल आते हैं, एक तो पहला सवाल आता है कि रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर के अंदर टर्म क्या है, और टर्म के साथ बैड डेट की सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये बड़ा मायने रखता है मार्केट को यदि। और इसके साथ साथ उन आंकड़ों को देखें जो इसके बेसिस पे
यदि कहती है 1200 करोड़ के आसपास, तो क्या सेल्स उन्होंने 1200 करोड़ किया था? और यदि ये किया था तो इनका परसेंटेज क्या कहता है? और प्रॉफिट कितना करती है? प्रॉफिट 515 करोड़ के आसपास की। यदि 1200 करोड़ मार्केट में इनके पैसे फंसे हुए, तो ये जो पैसा इनका प्रॉफिट की पार्ट थी वो परसेंटेज क्या कहती है? और इतना ही नहीं, इन दोनों को नेट प्रॉफिट मार्जिन भी क्या कहते हैं? इन तीनों चीज को समझना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि रिस्क फैक्टर क्या बनता है। रिस्क फैक्टर के बारे में कहती है नियरली 3 महीने के आसपास, क्योंकि पहले से थोड़ा सा इंक्रीज करता है मेरा, पहले 50 दिन था, फिर 61 दिन होता, फिर 59 दिन होता, फिर 63 दिन, फिर 67 दिन पे चला गया। इसके साथ साथ देखा गया कंपनी को लेकर के, जो इनका रिजल्ट की पार्ट को एक नज़र डालें इस पे, उसके बारे में कहती है कि नेट वर्थ में फेरबदल हुआ, नियर अबाउट द सेम प्राइस से बड़ी। रेवेन्यू में जो ग्रोथ था वो कास के 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा था, 2-3 सालों में। प्रॉफिट के आकलन को देखें तो प्रॉफिट आकलन नियर अबाउट द सेम ही रहा, क्योंकि पहले के आकलन से उसमें बहुत बड़ा फेरबदल नहीं था। जबकि उनकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो लगातार घटती नज़र आती है। ये बाकी चीज़ें तो बढ़ती है, रेवेन्यू बढ़ती है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। सेंटिमेंटल के बारे में कहती है कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की बात करती है, मीटिंग की बात करती है, और लगातार जो 52 वीक की हाई थी उसको क्या करती है, लगातार टच करती है, और वॉल्यूम में लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। इसके पीछे भी जानेंगे आखिर इंटरेस्ट रेट, जो भी फिलहाल कोई बल्क रेट की बात करिए क्या हो, ऐसा कुछ हो, वो भी कुछ ऐसा निकलता है कि नहीं निकलता है। चलिए जानते हैं उस कड़ी को भी, जहाँ पे ये भी देखा गया कि हिस्टोरिकल डेटा बेसिस में जो कंपनी के पास जो सेल्स ग्रो था, सेल्स ग्रो ये कहता है जिनके पास लास्ट 3 साल में 8% का ग्रोथ थी, ये उससे भी कम हो गया, 4% का ग्रो हो गया। स्टॉक प्राइस सीजीआर लगातार बढ़ी है, जबकि रिटर्न इक्विटी भी थोड़ा सा एवरेज, कहते हैं कि एवरेज से कम ही देखने को मिला। सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं, जो यहाँ पे जो प्रमोटर्स होल्डिंग की बात है वो क्या कहते हैं। यहाँ पे ये देखा गया करीब करीब 53%, 64-54% मान लेते हैं, 54% होल्डिंग किसके पास है, प्रमोटर्स, और रेस्ट जो है वो पब्लिक और प्लस अदर्स में देखने को मिला है। इन सब के आपस में तालमेल क्या कहता है, और बल्क ट्रेड के बारे में यहाँ क्या कहता है उसके बारे में, ब्लॉक डील की बात करें कुछ ऐसा निकल के आती है लेटेस्ट की बात, तो यहाँ पे देखने को मिली 19/8 को इसमें ग्रेविटेंस रिसर्च, अक्सर यही देखने को मिला, इसका नाम ही निकल के आता है, बाकी किसी भी कंपनी मार्केट लगता है कि एक ही नाम है जो कि लगातार बल्क ट्रेडिंग में लगा रहता है। और इन्होंने लगातार ही बल्क ट्रेडिंग किया है, और यहाँ पे ये भी देखने को मिला ये बाय सेल दोनों करते हैं, कुछ छोड़ देते होंगे बाद। ब्लॉक डील की बात करें तो ब्लॉक डील में इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन फिलहाल तो नज़र नहीं आता है, तो इसके बाद की बात। और इन्वेस्टर की तादाद की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले बल्क ट्रेड की बात करते हैं, तो जो BSE के ऊपर की बात करें तो वो भी क्या निकल के आती है, ग्रेविटेंस ही निकल के आती है, उन्होंने बाय और सेल की, लंबी लंबी ऑर्डर करते हैं, खरीदते और बेचने का यही काम है, खरीदने और बेचने का, और थोड़ा सा आधा पैसा 1 पैसे का मार्जिन लेकर के निकलने का। इसके बाद यहाँ पे कोई बल्क डील नहीं हुआ तो मार्केट में चार्ट जब देख रहे थे तो यहाँ पे एक लंबी सी उछाल आई थी, और यहाँ पे बड़ी लंबी आई थी, कह सकते हैं बहुत लंबी आई थी। बाद में जब बिकवाली का प्रेशर था जिस दिन गिरावट वाला, उस दिन कोई आया नहीं, उस दिन जो मार्केट में वॉल्यूम थी वो काफ़ी कम मात्रा में थी, मार्केट में बेचने वाले लोग भी कम थे, खरीदने वाले लोग भी कम थे,
एक सवाल आता है हमेशा, जो जब मार्केट में सब बेचने वाले थे तो खरीद कौन रहा था? जब तक कोई खरीदेगा तब तक ट्रेड कैसे डिस्प्यूट होगा? वो किसी को लग रहा है कि मार्केट अभी क्रैश करने वाला है, किसी को लगता है मार्केट अभी चलने वाली है। तभी तो मार्केट में कॉन्टैक्ट होता है, तब तो मार्केट चलती है। यहाँ पे हो क्या रहा था? यहाँ पे देखा गया कि प्रमोटर्स के पास 53% की होल्डिंग, FI के पास भी नियर अबाउट द सेम, DI के पास भी सेम, और जो वहाँ पे दिखने को मिला था ना, जब काफ़ी लगातार वॉल्यूम बढ़े थे, वॉल्यूम बढ़ाने वाला घटाने वाला कौन? एक ही लोग था, ग्रेविटन। FI दिया कि कोई तादाद में कोई कमी नहीं, जैसे था वैसे ही रहा है, उसमें कोई फेर बदल नहीं था। DI में देखने को ये मिली, जहाँ पे HDFC की करीब 9% के आसपास, 10% के आसपास होल्डिंग है। ICICI प्रूडेंशियल और बाकी सारे कंपनियां भी यहाँ पे अपनी पोजीशन लेके कामकाज करती है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में कोई भी ऐसा देखने को नज़र नहीं आई, लेकिन यहाँ पे देखने को मिलती है कि पब्लिक में इनके प्रति कुछ तो है। और वो कहता है रीट, जो कि आम इंडिविजुअल की बात करता हूँ, आम इंडिविजुअल में ये देखने को मिला स्टॉक में करीब 14% के आसपास के लोग हैं टोटल, इन्होंने 2 लाख से कम और 2 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की है। नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 7 करोड़ और 9 करोड़ के आसपास के जो शेयर हैं, 9 करोड़ शेयर के कौन होल्ड करता है? एक रिटेलर होल्ड करता है, जो खास करके इंडिविजुअल्स हैं। आते हैं सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए और जानते हैं इसको लेकर के अगले कड़ी में इसके बारे में क्या कहती है। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में देखा जा सकता है कंपनी लगातार डिविडेंड पेइंग रही है, तीन तीन चार तीन तीन रुपये का डिविडेंड हमेशा वही रहा है, 2-2.5 रुपये 3 रुपये का डिविडेंड लगातार पे करती नजर आई है। रिजल्ट में स्टैंड अलोन डेटा के बेसिस में भी देखा गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी जो गिरावट थी वो देखने को मिला, जबकि ये देखने को लगा कि रेवेन्यू में ग्रोथ लेवल था, नेट प्रॉफिट भी ग्रो पे था, EPS में जंप था, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी गिरावट का संकेत दिया था, और ये अपडेट निकल के आई थी। अब यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो मार्केट में पिछले 1 साल में करीब 105%, और कुछ दिनों से, ऐसे हम 3-4 महीने की पहले की बात कर रहे थे, 3-4 महीने में ये भी देखने को मिला जो करीब 3 महीने में 64-65% के आसपास की जंप थी, जबकि जो NSE मेन इंडेक्सेशन की बात करो तो वहाँ पे करीब कितने परसेंट की, केवल 7% की जंप देखने को मिली है अभी तक। पीयर्स में देखा जाए तो यहाँ पे ECL कर करके आते हैं, SCG आती है, राइट्स करके आती है। तो आज की स्टॉक लर्निंग हम जान रहे थे इस कंपनी को लेकर के, इसका नाम था फर्स्ट सोल, जिससे पहले भी स्टडी किया था। और एक लास्ट चीज़ को देखकर देखा जाए तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर की लिस्ट थी, शेयर होल्डर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे डिमांड बढ़ी लगातार या घटी? यहाँ पे ये देखने को मिला जो जून तक में यहाँ मैदान में काफ़ी सारे लोग थे, 3-3 लाख तक के आसपास के लोग थे, उनसे मार्केट में क्या हुआ, किसी और के पास शिफ्ट कर गई। मतलब सीधे के सीधे ये देखने को लगा 50,000 के आसपास लोग इस मार्केट से निकलते नजर आए, और किसी और के पास इसकी चार्ट पैटर्न में इंटर करती नजर आए। तो इस एनालिसिस पार्ट में कहती कि हेल्दी डिविडेंड की पे आउट रही है हमेशा, और डिलीवर द पुअर ग्रोथ रेट की बात ही किया है कंपनी ने। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। एक चीज आती है जो कि लास्ट चीज में बताना वाला था, जो कहते हैं कि मार्केट में एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट होता है, मार्केट में कोई ऐसा गेट तो होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक टारगेट जरूरी है, चाहे ट्रेडिंग पर्पस हो, इन्वेस्टमेंट पर्पस हो। मोस्टली हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, इसलिए हम इसको फंडामेंटल को कंप्लीटली देखते हैं। इसमें टर्म प्लस ग्रोथ दोनों को मर्ज करके देखा जाए उसी सब क्या कहती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।